हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 6 to 8 क्लास की बेटा वर्कशीट है जो आपके वीक में 1 बार आती है, 1 बार आती है सैटरडे को। और जिसकी बेटा जो वर्कशीट का जो नंबर है वो है 88 और जो हमारी डेट है वो है 28 नवंबर 2020। इसमें बच्चों आज जो हमारी थीम है जिसके बारे में हम डिस्कस करना है वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं, शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि राइट गुड फॉर द थिंग दैट आर गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो क्या है इसमें, हमें बैड उसके लिखना है जो हमारी लंग्स के लिए बैड है, और हमें गुड लिखना है जो हमारे लंग्स के लिए क्या है वो बहुत अच्छा है। तो क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें से, जिस कल कारखाने आप बोलते हैं फैक्ट्रीज में से, तो इट इज़ अ बैड फॉर आवर लंग्स। तो हम क्या लिखेंगे, बैड। ठीक है, अब इधर आप ये वाली पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर लंग्स, तो दैट इज़ हम लिखेंगे इसको गुड। तो ये क्या है हमारे लिए, हमारे पूरे हमारी लंग्स के लिए क्या है, बहुत ही गुड है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आग जल रही है और यहाँ से क्या है, स्मोक निकल रहा है, तो ये भी क्या है हमारी जो लंग्स के लिए, ये क्या, बैड। हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बैड। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फ्यूचर के, आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया है और हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये। तो क्या हम क्या लिखेंगे, गुड। यहाँ क्या लिखेंगे हम, गुड। और देन यहाँ पे हम क्या है, इस वाली पिक्चर में जो हम क्या देख रहे हैं, इस वाली पिक्चर में कि बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं, धुआं उड़ाते हुए जा रहे हैं, व्हीकल्स में से बहुत सारा क्या है, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन कर रखा है, तो ये क्या है, ये हमारे लंग्स के लिए क्या है, बैड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैड। तो हमारे कौन कौन बैड है, हमारा जो जो मैंने आपका नीले इससे लिखा है वो बैड है, और जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो क्या है, आपके लंग्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग, और उसको हमने हमने जो रेटिंग दी है वो दी है गुड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नीचे। रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि जो WHO ने एक रिपोर्ट दी है उसको पढ़ें और उसके फिर आंसर देते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेट 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। जो एयर पोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में कम से लगभग क्या है 7 मिलियन पीपल तो सिर्फ क्या है एयर पोल्यूशन के, ड्यू टू एयर पोल्यूशन ही क्या है, हर साल मरते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शोज दैट 9 out of 10 पीपल ब्रीथ एयर दैट एक्सीड्स WHO गाइडलाइंस लिमिट्स कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। 9 of 10 जो लोग हैं वो तो ऐसी एयर में, ऐसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही हाई लेवल की है, वहाँ पे मतलब एक्सीड हो रही है, वो जो एक होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो वहाँ पे क्या वो एक्सीड्स कर रहा है। ठीक है, तो और ये क्या बहुत ही हमारी लंग्स के लिए, हमारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये वाली। और WHO के फुल फॉर्म क्या है, हमारी वर्ल्ड, आपने जो है आपकी WHO की जो WHO है आपका, ये क्या आपने यहाँ पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब है ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। जो ह्यूमन है उन्होंने क्या है एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में क्या है मेजर अपना रोल क्या है अदा किया है, उनकी एक्टिविटी के कारण, ड्यू टू उनकी एक्टिविटी के कारण क्या हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। कौन कौन से हैं, ये फ्यूल कम्बशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, के मोटर व्हीकल से जो हमारा फ्यूल है उसका कम्बशन हो रहा है, जैसे कार्स एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में से क्या है बहुत सारा पोल्यूशन होता है उनसे। हीट एंड पावर जनरेशन, जैसे ऑयल एंड कोयल पावर प्लांट्स, बॉयलर्स, इनमें क्या है इनका हीट निकलना, हीट से भी क्या है हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफ्रेश, ये सब क्या है, ये क्या है, ये एयर पोल्यूशन के लिए हमारे मेजर सोर्सेज हैं। मेजर म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग क्या है, जब हम वेस्ट को जलाते हैं तो उसमें भी क्या है बहुत सारा पोल्यूशन होता है। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल्स, जो क्या हमारा जो रेजिडेंशियल कुकिंग में भी क्या है, कोई क्या होता है लकड़ी पे खाना बनाता है उससे भी क्या है बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, हीट का, लाइटनिंग से भी क्या है हमारा पोल्यूटेंट होता है, कोई क्या होता है पोलिथीन भी बर्न करता है उससे भी क्या है हमारा जो एयर पोल्यूशन है बहुत फैल रहा है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार है। अब हमने ये समझ लिया, अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हमारे दिल्ली में एयर पोल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं, ये हमारे सारे कारण हैं। ठीक है, ये मेजर कारण है हमारे कौन कौन से, मोटर व्हीकल्स, हमारे मोटर व्हीकल्स जो है बहुत बड़ा कारण है हमारा, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड वेस्ट साइट्स, ये क्या है हमारे सारे ये
कारण है, ये आप यहाँ से बेटा लिख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, ये क्या है आपका कारण है क्या जो आपका एयर पोल्यूशन फैला रहा है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन कारक हर साल कितने लोग मर रहे हैं, तो आप लिखेंगे 7 मिलियन पीपल, ठीक है, 7 मिलियन पीपल जो है एवरी ईयर जो है एयर पोल्यूशन के कारण जो है मर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अब आप जो है ज़्यादा आप ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन पा रहे होंगे, क्यों, कोरोना के वजह से आप क्या है इसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बच्चों यहाँ से आपको यहाँ समझ में ना आए स्पेलिंग, तो यहाँ से आप बेटा कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूज इन द हिंट गिवन इन द बॉक्स। अब हमें क्या है बॉक्स में से हिंट लेके अब हम पे अपने क्या है जो फिल इन द ब्लैंक्स है पूरे करने हैं। फर्स्ट क्या है, दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ डेज, जो दिल्ली है इन दिनों क्या है बहुत बिग चैलेंज जो है एयर पोल्यूशन का फेस कर रही है। सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन दिस दीपावली, और क्या है मैं इस दीपावली क्या यूज़ नहीं करूँगा, क्या यूज़ नहीं करूँगा, का फायर क्रैकर जिसको हम पटाखे बोलते हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट का हमारा आएगा फायर क्रैकर्स। आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडोप्ट डैश वैन दे गो टू दियर ऑफिस, कि मैंने अपने पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करी कि जब वो ऑफिस जाए तो क्या आएगा कार पूलिंग। सेकेंड क्या आएगा कार पूलिंग, कार पूलिंग होता है कि व्हीकल जिसमें क्या है एक साथ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हायर करके क्या है अपने ऑफिस जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या एक साथ ही क्या है कार में बैठ के जो है जाते हैं उसको बोलते हैं हम एयर पूलिंग। तो हमारे क्या है आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडोप्ट कार पूलिंग वैन दे गो टू देयर ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा कि एवरी वन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल वैन रेड लाइट इज ऑन, के हर किसी को क्या है जब रेड लाइट हो तो अपना इंजन को क्या है जब रेड लाइट ऑन हो तो अपने इंजन को क्या कर देना चाहिए और उनको ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या है हमारा पोल्यूशन भी बचेगा और हमारा पेट्रोल भी बचेगा, और आपका पता होना चाहिए हमारा जो पेट्रोल है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, सैपलिंग्स क्या होते हैं पौधे होते हैं, पौधे होते छोटी छोटी, तो यहाँ पे आएगा आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, कम से कम मैं 2 जो सैपलिंग है उनको क्या है प्लांट करूंगा अपनी जो सिटी है उसको क्लीन रखने के लिए और नीट रखने के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपकी बच्चे आज की 6 to 8 क्लास वर्कशीट है बच्चे, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है, इसमें कंजूसी मत करना, एंड आप शेयर माई चैनल और आप वीडियो को बच्चे शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कर भी रहे हैं इसके लिए बच्चे आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारा वीडियो इतना पसंद कर रहे हैं, हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए और बच्चे COVID-19 से बच के रहिए क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है और दिल्ली में तो आजकल बहुत फैल रही है, तो कहीं आपको काम है अगर नहीं जरूरी है तो बच जाइए, घर पर रहिए, और बाई चांस जाना हो तो मास्क लगाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए बेटा, और सैनिटाइज़ कीजिए जब कहीं से आए या अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। चलो बच्चे मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, ऐसे ही बच्चे हमारा चैनल देखते रहिएगा, शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।